भारत माता की जय। भारत माता की जय। राम राम। सत श्री अकाल। जय मां भद्रकाली। जाहर वीर गोगा जी और भद्रकाली की पावन धरती शिक्षा के लिए समर्पित स्वामी केशवानंद जी की कर्मस्थली जो राजस्थान का अन्न का कटोरा है, जहां के रेतीले धरों में आप सभी ने हरियाली बिखेरी, भूमि से जुड़े आप सभी जनों को मेरा आदर पूर्वक नमन। हमारा हनुमानगढ़ हो या श्री गंगानगर, ये आस्था के महत्वपूर्ण स्थानों के लिए मशहूर है। यहां खुद मां भद्रकाली विराजमान है। ये गुरु घरों की धरती है, यही गुरु गोविंद सिंह जी ने कबूतर के जीवन की रक्षा कर मानवता का सार समझाया था। कालीबंगा और सिंधु सरस्वती घाटी की समृद्धि का, उसकी विरासत की निशानियां आज भी हम लोगों को प्रेरणा देती है। भाइयों बहनों, सर्दी का मौसम हो, ठंड जमने लगी हो, लेकिन इतने सवेरे सवेरे इतनी बड़ी भीड़, उधर पूरा रात, मुझे पता नहीं उनको सुनाई देता होगा कि नहीं सुनाई देता होगा, लेकिन इतनी तादाद में आप आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर विराजमान केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान अर्जुन मेघवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई अविनाश राय खन्ना जी, हनुमानगढ़ जिले के हमारे साथी भाई श्रीमान बलबीर बिश्नोई जी, हमारे साथी सांसद भाई निहाल चंद मेघवाल जी, हनुमानगढ़ नगर परिषद के सभापति श्रीमान राजकुमार हिसारिया जी, जिला प्रमुख श्रीमान कृष्ण चोटिया जी, और इस चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता और समाज सेवा को समर्पित हमारे सभी उम्मीदवार हनुमानगढ़ से डॉक्टर राम प्रताप जी आइए। नोहर से श्रीमान अभिषेक मटोरिया जी, पीलीभंगा से श्रीमान धर्मेंद्र मोची जी, संगरिया से श्रीमान गुरदीप सिंह शाहपिनी जी, सूरतगढ़ से श्रीमान राम प्रताप कासनिया जी, भादरा से श्रीमान संजीव बेनीवाल जी, आप सबसे मेरा आग्रह है दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके भारत माँ की जय के आशीर्वाद के साथ इन सबको आशीर्वाद दीजिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, आज 4 दिसंबर है, आज भारतीय नौसेना का दिवस है। और मैं आज ये नौसेना दिवस पर ये वीरों की धरती से नौसेना को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। विराट समंदर में शौर्य और साहस का प्रतीक बनी हमारी नौसेना हमारे देश की आन बान और शान है। भाइयों बहनों, कोई कल्पना कर सकता है कि ये मरुभूमि, ये रेगिस्तान जहां पानी कल्पना के परे होता है, समंदर तो यहां से बहुत दूर की बात है, लेकिन जो पुरुषार्थी होते हैं, वो जो शौर्यवान होते हैं, जो संकल्पवान होते हैं, वो कैसी कमाल करते हैं ये मरुभूमि ने करके दिखाया है। आज मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि जब हमारा देश नौसेना दिवस मना रहा है, तब भारतीय सेना का नेतृत्व इसी धरती के बेटे एडमिरल विजय सिंह शेखावत और एडमिरल माधवेंद्र सिंह जी ने नौसेना के प्रमुख के रूप में देश की सेवा की थी, जिनका समंदर से कोई दूर दूर का भी नाता नहीं था। उसके बावजूद भी देश की नौसेना का नेतृत्व इस धरती ने किया था,
इस मिट्टी को मैं नमन करता हूँ, उन वीर माताओं को नमन करता हूँ जैसे ने ऐसे वीरों को जन्म दिया। भाइयों बहनों, आज जब हम नौसेना का दिवस मना रहे हैं तो मैं देश की उन जाबाज बेटियों का भी बड़े गर्व के साथ उल्लेख करना चाहूं। हमारे देश में ऐसी बातें होती हैं, कुछ पल के लिए याद कर ली जाती है, बाद में उसे भुला दी जाती है। समाज की अच्छी बातें, समाज का शौर्य, समाज का साहस, समाज की शक्ति, इसका बार बार स्मरण करते रहना चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी स्मरण करते रहना चाहिए और तभी तो इतिहास में से नई ऊर्जा मिलती है, नई प्रेरणा मिलती है, नई शक्ति मिलती है। भाइयों बहनों, हमारे नौसेना की 6 बेटियों ने दुनिया के अंदर कमाल करके दिखाया। 20, 22, 25, 27, 30 साल की बेटियां मेक इन इंडिया के तहत बनी एक छोटी सी नाव लेकर के निकल पड़ी और पूरे विश्व का समुद्री मार्ग से भ्रमण करके विश्व में हिंदुस्तान का झंडा गाड़ के ये हमारी 6 बेटियां लौट आई। बड़ा कठिन काम, करीब करीब साल भर समंदर के साथ लोहा लेते चलते रहना, छोटी सी नाव, कोई आधुनिक मशीन नहीं, पतवार से चलने वाली नाव। कौन हिंदुस्तानी गर्व नहीं करेगा मेरी नौसेना की इन 6 बेटियों के लिए? आइए भाइयों बहनों, इन 6 बेटियों के लिए, हमारी नौसेना के लिए जोर से ताली बजा करके, भारत माँ की जय बोल करके उनका गौरव गान करें। भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, आज जब मैं हनुमानगढ़ हो, गंगानगर हो, एक प्रकार से गुरुओं के आशीर्वाद की धरती पर आया हो, तब मेरा मन बड़ा गर्व से पुलकित हो उठता है, मेरा माथा इस गुरु परंपरा के सामने झुक जाता है। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, सत्ता का मोह तो हम समझ सकते हैं, लेकिन सत्ता के मोह में संतुलन भी खो जाए राजगति कब मिल जाए? जितनी जल्दी मिल जाए, इस मोह में कैसी कैसी गलतियां हुई है, जिस गलतियों को आज हमें भुगतना पड़ रहा है। भाइयों बहनों, सन 47 में देश जब आजाद हुआ, भारत का विभाजन हुआ, राजगद्दी पर बैठने की इतनी जल्दबाजी थी कि बारीकी से देखा भी नहीं गया कि भारत विभाजन होने के बाद, और वो भी संप्रदाय के नाम पर विभाजन हुआ था। मुसलमान को इस्लाम के नाम पर अलग देश चाहिए था, उनका एजेंडा साफ था,
लेकिन उस समय जो नीति निर्धारक थे कांग्रेस के नेतृत्व में, इन कांग्रेस वालों ने ऐसी गलतियां की है, विभाजन हुआ लेकिन उसमें भी जो गलतियां हुई और उसी का नतीजा है कि गुरु नानक देव जी उनकी कर्म भूमि, साधना भूमि, सेवा भूमि करतारपुर साहब वो पाकिस्तान में चला गया। थोड़ी सी समझदारी होती उस समय के नेताओं में, थोड़ी सी संवेदनशीलता होती, उनको गंभीरता होती कि हिंदुस्तान के जीवन में गुरु नानक देव का स्थान क्या है। तो भाइयों बहनों, 3 किलोमीटर की दूरी पर हमारा करतारपुर हमसे बिखर न जाता, हमें दूर नहीं कर देता। गुरु नानक देव से आपको हमसे अलग नहीं कर सकता, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की सोचने की क्षमता का अभाव, संवेदनशीलता का अभाव, राजगद्दी के सिवा कुछ दिखता नहीं था। सिख परंपरा के करोड़ों लोगों की भावनाओं का उनको अंदाज नहीं था और दुर्भाग्य से गुरु नानक देव जी के साथ जुड़ा हुआ करतारपुर पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। कोई भी हिंदुस्तानी सीमा के इस पार से जब दूर देखता है गुरु नानक देव जी का स्थान, उसके मन में कसक रहती है कि वो कौन सा दुर्भाग्य है कि मैं इस पवित्र धरती पर जाकर के मत्था टेक नहीं पाता। भाइयों बहनों, 70 साल तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, लड़ाइयां भी लड़ी, लड़ाइयां जीती भी, लाहौर पे झंडा फहराने की बातें हुई, बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन गुरु नानक देव के चरणों में मत्था टेकने का प्रबंध नहीं। आज जब मैं मानवता का संदेश जहां से गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया, उस गंगानगर और हनुमानगढ़ के इलाके में आया हूं, तब बड़े विनम्रता के साथ सर झुका करके और सबसे पहले गुरु परंपराओं की क्षमा मांग करके कि हमारे देश में 70 साल तक ऐसे लोग रहे कि उन्होंने जिस बात की उपेक्षा की, ये गुरु परंपरा के आशीर्वाद है कि मेरे हाथ ये पवित्र काम आया और करतारपुर कॉरिडोर बनाने का निर्णय कर लिया, कैबिनेट ने निर्णय कर लिया। अब 365 दिन जब वो कॉरिडोर बन जाएगा तो मेरा कोई भी गुरु परंपरा को श्रद्धा रखने वाला, गुरु ग्रंथ साहब के सामने सर झुकाने वाला कोई भी हिंदुस्तानी आराम से करतारपुर चला जाएगा, गुरु नानक देव जी के स्थान पर मत्था टेक करके लौट आएगा। ये कांग्रेस वालों को पूछना चाहिए, क्यों आपको 1947 में करतारपुर हिंदुस्तान में होना चाहिए ये आपको याद क्यों नहीं आया? इतनी बड़ी गलती आपने क्यों की? इतना बड़ा अन्याय आपने क्यों किया? भाइयों बहनों, मैं तो हर दिन देख रहा हूं उनकी हर बड़ी गलती को ठीक करने का मेरे ही नसीब में आया है। वो जो जो बुरा करके गए
उसको ठीक करना मेरे नसीब में ही आया है। और मेरा नसीब मेरे हाथ की लकीरों ने नहीं बनाया है, मेरा नसीब 125 करोड़ देशवासियों के हाथ में। आज अगर मैं कुछ कर पा रहा हूं, अगर करतारपुर कॉरिडोर बनता है, हम आराम से गुरु नानक देव जी के पास मत्था टेकने के लिए जा सकते हैं, तो इसका क्रेडिट किसको है? इसका क्रेडिट किसको है? अब करतारपुर जा पाएंगे, इसका क्रेडिट किसको है? किसको है? किसको है? किसको है? किसको है? जी नहीं, आप गलती कर रहे हैं। इसका क्रेडिट मोदी को नहीं है, ये करतारपुर कॉरिडोर बनने की ताकत इसलिए आई, इसलिए संभव हुआ, ये गुरु नानक देव जी के चरणों में मत्था टेकना इसलिए संभव हुआ, ये ताकत मोदी नहीं है, ये ताकत आपका वोट है, आपका एक। अगर आपने उस समय भी वोट किसी को गलत को दबा दिया होता, तो ये करतारपुर का कॉरिडोर नहीं बनता। आपने सही जगह पर कमल के निशान पर उंगली दबाई, इसके कारण वो दरवाजा खुल गया है। ताकत आपके वोट की है। भाइयों बहनों, लोगों को लगता है कि हम वोट देकर के क्या करते हैं, और गलती वहीं से हो जाती है। हमें लगता है कि हम वोट देते हैं एमएलए बनाने के लिए, हमें लगता है कि हम वोट देते हैं किसी पार्टी को जिताने के लिए, हमें लगता है कि हम वोट देते हैं किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, हमें लगता है कि हम किसी को वोट देते हैं किसी को जिताने के लिए या किसी को हराने के लिए। आपके यहां वोट की कीमत इतनी कम मत आंकिए, आपके वोट की कीमत इतनी कम नहीं है। आपको कल्पना है आप क्या कर सकते हैं? आप मुझे बताइए, हमारे इस क्षेत्र में हम किसान पानी के लिए तरसते थे कि नहीं तरसते थे? पानी की जरूरत थी कि नहीं थी? हम बार बार पंजाब से झगड़ा करते थे कि नहीं करते थे कि हमें पानी मिलना चाहिए? करते थे कि नहीं करते थे? सरकारें थी कि नहीं थी? कांग्रेस वाले राज करते थे कि नहीं करते थे? नहर थी कि नहीं थी? पंजाब में सरकार थी कि नहीं थी? राजस्थान में सरकार थी कि नहीं थी? सब कुछ था, पानी नहीं था। क्यों? क्योंकि सरकार क्यों होती है, लोग सरकार क्यों बनाते हैं, कि सरकार में बैठे हुए लोगों को भी ऐसा लगता है बस आप आ गए, मौज करो। भाइयों बहनों, आपने एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया है, आपने एक ऐसे व्यक्ति को वोट दिया है, वो जीता है सिर्फ आपके लिए, वो जागता है सिर्फ आपके लिए, वो जूझता है सिर्फ आपके लिए।
और अगर वो झुकता भी है तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। भाइयों बहनों, हमारा सरहिंद फिडर और हमारा राजस्थान फिडर, यहां लोग मांग करते थे पानी मिले, पंजाब कहता था पानी है नहीं कहां से देंगे, लेकिन मुसीबत पानी की नहीं थी, मुसीबत दिमाग की थी। सीधा सीधा बात था कि नहर कच्ची है, टूटी फूटी है, सीपेज हो रहा है, पानी जा नहीं रहा है, पानी बेकार जा रहा है, अगर इतना सा रास्ता निकाल दे, मेरा पंजाब भी खुश, मेरा राजस्थान भी खुश, मेरा गंगानगर भी खुश, मेरा हनुमानगढ़ भी खुश। और हमने सरहिंद फिडर, राजस्थान फिडर, भाइयों बहनों, करीब करीब 2000 करोड़ रुपया की लागत से, 2000 करोड़ रुपए की लागत से इस नहर को पक्का करने का काम शुरू किया। अब सीपेज बंद होगा और करीब करीब 800 क्यूसेक से ज्यादा अतिरिक्त पानी ये आपके खेतों में ले आएंगे। भाइयों बहनों, बताइए भाइयों बहनों, ये पानी का काम कौन कर रहा है? ये पानी का काम कौन कर रहा है? आपके पानी की मांग कौन पूरी कर रहा है? ये नहरों में पानी कैसे लाया जा रहा है? फिर से गलती कर दी, ये सरहिंद फीडर को ठीक करना, ये राजस्थान फीडर को ठीक करना, ये मोदी नहीं कर रहा है, ये आपका एक वोट कर रहा है, आपका वोट। वोट सही जगह पे बनता है तो सिर्फ एमएलए एमपी नहीं बनता है, सिर्फ सरकार नहीं बनती है, अगर सही जगह पे वोट होता है तो आपका सही काम होता है, आपका भाग्य बदलता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आया हूं सही काम करने के लिए, हमें आपकी मदद चाहिए, आपके आशीर्वाद। आप जरा 5 साल पहले के अखबार निकाल दीजिए, अखबार में हेडलाइन क्या हुआ करती थी? 2013-14 के अखबार निकाल दीजिए, अखबार के ऊपर सबसे पहले क्या लिख करके आता था? आज कोयले में इतना घोटाला हुआ, इतना लाख करोड़ चला गया, आता था कि नहीं आता था? कभी आता था 2G का घोटाला किया, आता था कि नहीं आता था? कभी आता था पनडुब्बी में घोटाला किया, आता था कि नहीं आता था? इसने चोरी की, इसने लूट लिया, इसने खा लिया, यही खबरें आती थी कि नहीं आती थी? चारों तरफ यही चर्चा थी कि नहीं थी? आज 5 साल हो गए मेरे भाइयों बहनों, ऐसी एक खबर आपको पढ़ने को मिली है क्या? नहीं। एक खबर पढ़ने को मिली है कि नहीं मिली? नहीं। आप मुझे बताइए, देश के पैसे जो लूटते चलते जाते थे वो बंद हो गया कि नहीं हो गया? बंद हुआ कि नहीं हुआ? वो पैसे बच गए कि नहीं बच गए? लाखों करोड़ों रुपए पैसे चोरी होने से रुक गए कि नहीं रुक गए? किसने रोके? किसने रोके? अरे किसने रोके? किसने रोके बताइए? अरे मोदी ने नहीं रोके हैं,
ये तो आपके एक वोट ने रोके हैं, आपके एक वोट ने। एक सामान्य गांव में मजदूरी करने वाला मतदाता अगर कोई उसको पूछेगा, यार तूने तो बड़ी कमाल कर दी। क्या कमाल कर दी? अरे तूने तो देश के लाखों करोड़ों रुपए बचा लिए। वो कहेगा, साहब मैंने तो लाख होता क्या है, देखा नहीं है, मैं कौन होता हूँ लाखों करोड़ों बचाने वाला। लेकिन जब उसको समझाओगे तो उसको, हाँ मेरे वोट की ताकत इतनी है कि मैं देश के चोरी होने वाले लाखों करोड़ों रुपए बचा लेता हूँ। भाई बहनों, ये काम कर लो। भाइयों बहनों, ये आए दिन पाकिस्तान वाले तू मैं करते रहते थे। कभी चोरी छुपी से हमारे सेना के कैंप में जाकर के बम फोड़ करके 5-50 लोगों को मार के भाग जाते थे। अब उनकी आदत हो गई और उनको पिछले 70 साल से ऐसी सरकारें देखी थी कि मारो और भाग जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। भाइयों बहनों, सेना तो पहले भी थी, ठीक नहीं थी? सेना पहले भी थी नहीं थी? वीरता पहले भी ठीक नहीं थी? वीर जवान थे कि नहीं थे? बलिदान देने के लिए मरने मिटने वाले मेरे देश के जवान है कि नहीं है? उनके पास शस्त्र है कि नहीं है? सब कुछ है, सेना भी है, जवान भी है, जी जान से जूझने की ताकत भी है, दुश्मन भी सामने बैठा है। लेकिन होता क्या था? आज इतने मरे, यही खबर आती थी कि नहीं आती थी? भाइयों बहनों, सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखा दिया कैसे जवाब दिया जाए। भाइयों बहनों, ये सर्जिकल स्ट्राइक ने हिंदुस्तान की सेना की ताकत दिखाई कि नहीं दिखाई? वीरों का सामर्थ्य दिखाया कि नहीं दिखाया? हमारी सेना सामर्थ्यवान है ये तय हुआ कि नहीं हुआ? भाइयों बहनों, ये सर्जिकल स्ट्राइक किसने की? ये सर्जिकल स्ट्राइक किसने की? ये पाकिस्तान को जवाब करारा किसने दिया? ये पाकिस्तान का मुंह किसने बंद किया? ये पाकिस्तान की हेकड़ी कम कैसे हुई? भाइयों बहनों, फिर मैं कह रहा हूँ, गलती कर रहे हो। मोदी ने नहीं किया, ये मोदी ने नहीं किया। ये जो कुछ भी हुआ, ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ये वीरोना शौर्य आया, ये ताकत आपके वोट में है। आपके वोट, ये आपके वोट की ताकत है कि ये काम कर पाती है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये हमारा किसान, भारत के किसान की एक ताकत रही है। किसान कभी मांगने वाला नहीं होता, किसान अन्नदाता होता है। अब हम किसान को अन्नदाता से साथ साथ ऊर्जा दाता भी बनाना चाहते हैं। मेरा देश का किसान अन्नदाता भी है, अब वो ऊर्जा दाता भी बनेगा। हम देश में सूर्य शक्ति की ऊर्जा का रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। हम किसान को कह रहे हैं, तुम्हारे खेत के किनारे पर सोलार पैनल लगाओ, बिजली पैदा करो और पानी भी, बिजली का खर्चा मत करो, सोलार पंप से पानी उठाओ, स्प्रिंकलर करो, ड्रिप इरिगेशन करो, आधुनिक खेती करो और पैसे बचाओ। भाइयों बहनों, 28 लाख सोलार पंप किसानों को देने का हमने फैसला किया है।
आने वाले समय में पहुंच जाएगा। कितने किसानों का बिजली का बिल खत्म हो जाएगा, इतना ही नहीं वो जो बिजली पैदा करेगा अपने खेत में जितनी जरूरत है उससे ज्यादा बिजली होगी तो सरकार वो बिजली खरीद लेगी, किसान को बिजली का भी पैसा मिलेगा। ये एक भाइयों बहनों, ये कांग्रेस वाले झूठ बोल करके किसानों का अपमान करने में ऐसे माहिर है, और ये नामदार अगर नामदार को कोई कह दे कि हरी मिर्ची का किसान को कम पैसा मिलता है, लाल मिर्ची का ज्यादा मिलता है, तो वो भाषण दे देगा कि किसानों ने हरी मिर्च की नहीं खेती करनी चाहिए, लाल मिर्च की खेती करनी चाहिए। जिसको हरी मिर्च और लाल मिर्च की समझ नहीं है, जिसको ये ज्ञान नहीं है कि चने का पौधा होता है कि चने का पेड़ होता है, अब वो हमें किसान की भाषा समझाने लगे हैं। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, कांग्रेस के जमाने में किसानों के घर सोने के थे क्या? जरा बताइए ना, सोने के थे क्या? किसानों के घर चांदी के थे क्या? किसानों के घर के बाहर चार चार ट्रैक्टर खड़े थे क्या? किसानों के घर के बाहर दो दो मारुति खड़ी थी क्या? किसानों के हर छह महीने विदेशों में घूमने जाते थे क्या? और मोदी ने आकर के बंद कर दिया सब क्या? ना, मोदी ने आकर के सब लूट लिया क्या? किसान का बंगला था झोपड़ी हो गया क्या? क्या झूठ बोल रहे हैं? अगर देश के किसान को मुसीबत का कारण है तो ये आपके 70 साल के पापों का परिणाम है। हर सरकार को ये मुसीबत झेलनी पड़ी। और मैं विश्वास से कहता हूं मेरे भाइयों बहनों, अगर देश के पहले प्रधानमंत्री, अगर एक किसान का बेटा देश का पहला प्रधानमंत्री बना होता, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बने होते, तो मेरे देश के किसानों की दशा नहीं होती। एक परिवार की चार पीढ़ी जिनको न खेत की समझ है न किसान की समझ है, उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई कि देश का मेरा किसान बर्बाद हो गया। इसके लिए जिम्मेवार आप लोग हैं, आप लोग हैं नामदार, आप और आपकी चार पीढ़ी जिम्मेवार है। जरा जवाब दीजिए भाइयों बहनों, चुनाव आता है तो किसान के गीत गाते हैं। 2009 में चुनाव आया तो उन्होंने घोषणा की कि भारत सरकार किसानों का कर्ज माफ कर देगी, और किसान ने भी मान लिया, कहा यार ये तो चलो बाकी ठीक है, सरकार आए जाए कम से कम हमारा तो जाएगा। किसान उस बात में आ गया, और इन लोगों ने किसान के साथ कैसा धोखा किया। आप मेरे किसान भाई बहन चौंक जाएंगे, ये कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठ करते हैं, राजगद्दी पाने के लिए कैसे कैसे पाप करते हैं, और मेरे देश के भले भोले किसानों के साथ किया आपने ऐसा। 2008 में उन्होंने
किसानों का कर्ज माफ करेंगे, ऐसा करके वोट बटोर लिए। उस समय देश के किसानों का कर्ज था 6 लाख करोड़ रुपया। कितना था? 6 लाख करोड़। जरा बोलिए कितना था? 6 लाख करोड़। उन्होंने कर्ज माफी कहा तो 6 लाख करोड़ माफ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? 6 लाख करोड़ माफ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? उन्होंने किया क्या? ये झूठ इतना बोला कि सिर्फ 6 लाख करोड़ के सामने 58,000 करोड़ रुपया सिर्फ माफ किया। 6 लाख करोड़ के सामने 58,000 करोड़, और राजगद्दी पर बैठ गए और मैडम ने रिमोट कंट्रोल से 5 साल चला भी लिया। इतना ही नहीं, जब सीए जी ने रिपोर्ट निकाली तो सीए जी ने रिपोर्ट निकाल के कहा कि ये जो आपने 58,000 करोड़ रुपया बांटा है उसमें 35 लाख ऐसे लोगों को पैसा गया है जिनका न किसानी से लेना देना है न कर्ज से लेना देना है, ये कांग्रेस की मिली भगत वाले लोगों के पैसे खा गए हैं, ये किसानों को नहीं मिले हैं। भाइयों बहनों, इस प्रकार से झूठ बोलना, झूठ करना और झूठे वादे करने वाले कांग्रेस पर कोई किसान भरोसा करेगा क्या? नहीं। कोई किसान भरोसा करेगा क्या? नहीं। अभी कर्नाटक में चुनाव हार गए, किसानों का कर्ज माफी करने का वादा किया था, उसके बाद भी उनके आधी संख्या हो गई, आधे से भी कम हो गई, जनता ने उनको नकार दिया। तो पिछले दरवाजे से देवेगौड़ा जी को गले लगा करके बैठ गए, बैठ गए तो लोगों ने कहा कर्ज माफी करने के लिए कहां था लाओ। आप हैरान हो जाएंगे, कर्ज माफी का वादा किया था जनता ने, उसके बाद भी उनको हरा दिया था, किसानों ने उनको नकार दिया था, लेकिन पिछले दरवाजे से सरकार बना ली तो लोगों ने कहा बेटा लाओ, बोले थे ना लाओ जा, किसान है बड़ा आदमी है, मांगा। अब जब मांग रहा है तो ये वारंट निकाल रहे हैं, किसानों को जेल में बंद कर रहे हैं। क्या ऐसी कांग्रेस पे भरोसा करोगे क्या? नहीं। ऐसी कांग्रेस पे भरोसा करोगे क्या? नहीं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा चुनाव किस तेजी से रंग बदल रहा है, आप तेज गति से चुनाव आज रंग बदल रहा है। एक साल से चल रहा था, एक साल से कांग्रेस वालों ने पहले चलाया, भाई यहां तो कुछ करने की जरूरत नहीं, यहां की जनता हर 5 साल में बदल देती है, हर 5 साल में बदल देती है, और ऐसे ही हवा बना दी, भाई हमारे यहां तो नियम है अगले 5 साल दूसरी सरकार। लोगों के गले उतरने लगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि यही राजस्थान है जिसने भैरव जी को दोबारा सरकार बनाने का सौभाग्य दिया था। जब ये बात बाहर आने लगी कि नहीं नहीं भाई दोबारा भी सरकार बन सकती है, तो फिर कांग्रेस वाले सोचने लगे कुछ नया झूठ चलाओ भाई। तो फिर वो सट्टा बाजार सर्वे वाले ऐसे ऐसे आंकड़े निकलवाए, ऐसे ऐसे आंकड़े निकलवाए कि भाजपा का तो कोई मेल ही नहीं है, 20 भी नहीं आएगी, 30 भी नहीं आएगी, 40 भी नहीं आएगी, भाजपा की तो हार पक्की है। लेकिन जैसा जैसा चुनाव पास में आ गया, फिर कहने लगे नहीं जीत तो सकते हैं, नहीं जीत तो सकते हैं, कांग्रेस जीत तो सकती है। फिर थोड़े दिन जो टिकट बटने लगी तो फिर मामला बिगड़ गया। अब उन्हीं के राग दरबारी आजकल लिख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जीती हुई बाजी हारने में कैसे महान रहता है ये राजस्थान ने दिखा दिया। उनके राग दरबारी जो 2400 घंटे उनके गीत गाते रहते हैं,
उन्हीं के लिए जीते मरते हैं, दुनिया की कोई सच्चाई स्वीकार नहीं करते हैं, पूरी तरह उनके हाथ गिरवी रखे हुए हैं। वे लोग दो महीने पहले राजस्थान तो कांग्रेस का जय जयकार होने वाला है ये कहने वाले आज कांग्रेस के नेताओं को गाली दे रहे हैं कि तुम लोगों ने जीती हुई बाजी हार दी, जीती हुई बाजी हार दी। अरे दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर के खेल खेलने वाला, ये जीती हुई बाजी हारी नहीं है, ये जनता जनार्दन ने बाजी जीत ली है भाई। भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका प्रेम विश्वास, विकास के प्रति उनका प्रेम और विश्वास ये आज खुल करके नजर आ रहा है। मैं राजस्थान में जहां गया हूं मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं इतने सवेरे ऐसी बड़ी रैली हो, मैं पूरा रोज भरा पड़ा देख रहा हूं। अरे दिल्ली में बैठे हुए सिर्फ इसका नजारा देख लेने तो भी पता चल जाएगा कि हवारा का रूप कैसा। कोई दुविधा नहीं है, विजय निश्चित है, कोई दुविधा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का विजय निश्चित है। अब राजस्थान की जनता को विकास चाहिए, अब राजस्थान की जनता को नया राजस्थान चाहिए और राजस्थान की जनता को भरोसा है कि दिल्ली में मोदी और राजस्थान में वसुंधरा जी मिलकर के राजस्थान का नया भविष्य बना सकते हैं। और इसलिए भाइयों मैं आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूं, एक भी कांग्रेसी को जीतने मत दीजिए, ये झूठ बोलने वालों को जीतने मत दीजिए, उनको ऐसी सजा करो, ऐसी सजा करो ताकि वो जमीन पे आकर के जनता का सच्चा काम करे। इसी एक अपेक्षा के साथ आपने जो आशीर्वाद दिए, इतनी बड़ी तादाद में आकर के आशीर्वाद दिए, भाइयों बहनों ये ऐतिहासिक दिवस है मेरे लिए, ये आपका प्यार, ये आशीर्वाद एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैं फिर एक बार सर झुका करके आपका नमन करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।